बढ़ती गाड़ी की जो लेफ्ट प्रोफाइल है वो एकदम सीधी करने के लिए, तो ये वहाँ लगाएगा, वो एकदम सामने वाले हिस्से के सीधे में रहेगा जिससे गाड़ी एकदम सही निकलेगी। ऐसी या मिरर खोलूंगा तो टकरा जाएगा। बोला था कि एक बार भी आगे ना करनी पड़े, इसी गियर में मैं बाहर निकाल दूँ गाड़ी। आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ, अगर रिवर्स करते वक्त मिरर का तो मैंने बता दिया था मिरर कैसे एडजस्ट करते हैं, लेकिन अगर गर्दन बाहर निकालनी हो, सड़क मान लो ऐसी है कि भाई बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो मिरर टकरा जाएंगे मिरर खुलते ही, और वैसे गाड़ी निकलेगी नहीं, तो मिरर बंद करके निकालनी पड़ती है। तो गर्दन बाहर निकाल के कैसे रिवर्स करते हो, एक ये तरीका मैं बता देता हूँ। मार्केट में नई गाड़ी लॉन्च हो गई, आपका मन है फटाफट लेनी है, दिक्कत है पुरानी वाली गाड़ी फटाफट बेचनी है, मुझे मेरी गाड़ी का बेस्ट प्राइस मिलना चाहिए, जो मैं सोच रहा हूँ मुझे मिले, फटाफट गाड़ी ट्रांसफर हो, मुझे पैसे तुरंत मिले, मैं अपनी नई गाड़ी जाके खरीदूं। मेरे सामने भी दिक्कत आई थी जब गाड़ी बेची थी, ऑल्टो केटन नुकसान खा के बेची थी, चार पांच जगह दिखाई, नहीं पैसे मिले, तुरंत बेचनी थी, ब्रेजा लॉन्च हो चुकी थी, लेनी थी, लेकिन तब मुझे इस चीज का नहीं पता था, और वो है कार्स 24। एक बहुत अच्छी सर्विस आपको ये देते हैं अगर आपको अपनी गाड़ी सेल करनी है, क्योंकि इनका बहुत ही क्विक और इजी प्रोसेस होता है, क्योंकि ये आपकी गाड़ी की बिडिंग करते हैं, यानी कि बोली लगाई जाती है। होता कैसे है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, वेबसाइट पे जाइए और अपनी गाड़ी की डिटेल्स फिल करिए, इंस्पेक्शन बुक करिए अपनी गाड़ी की, आपको एक स्लॉट और टाइम दे दिया जाएगा, नियरेस्ट कार्स 24 की ब्रांच को विजिट करिए, गाड़ी की इंस्पेक्शन कर देंगे विद इन 30 मिनट्स, 25 to 30 मिनट्स आपकी गाड़ी की फ्री इंस्पेक्शन। नहीं जा सकते हैं घर पे बुलाइए, मिनिमल कॉस्ट पे करके इंस्पेक्शन गाड़ी की कराइए, फिर आपकी गाड़ी की बिडिंग यानी कि बोली लगाई जाएगी कि इस गाड़ी को सबसे ज्यादा प्राइस कौन दे रहा है, ठीक है, विद इन 24 मिनट्स। आई सेड बहुत इजी और क्विक प्रोसेस है, 24 मिनट में आपको ये बता देंगे आपकी गाड़ी की बेस्ट वैल्यू ये लगी है, ये आपको मिलेगा, अगर आप अग्री करते हैं हाँ ये प्राइस ठीक है, मैं जो चाह रहा था मुझे मिल गया, प्रोसेस फॉलो करिए, गाड़ी अपनी सेल करिए, और विद इन 48 to 72 आवर्स, 2 से 3 दिन के अंदर आपको अपनी गाड़ी के पैसे मिल जाएंगे। इंस्टेंट पेमेंट ट्रांसफर का भी एक अलग से ऑप्शन है अगर आप वो सिलेक्ट करते हैं तो। और एक और चीज जो कि अच्छी है कार्स 24 के बारे में, वो है फ्री आरसी ट्रांसफर। जब आप पर्सनली किसी को गाड़ी बेचते हैं तो वो बंदा कई बार नहीं अवेलेबल होता है, डिले कर देता है आरसी ट्रांसफर में, गाड़ी का कुछ मिसयूज कर देता है, कार्स 24 फ्री में आरसी ट्रांसफर करके आपको देती है, बहुत अच्छा प्रोसेस है, फॉलो इट एंड अपनी गाड़ी बेचिए फटाफट और अपनी ड्रीम कार अपने घर लेकर आइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करिए, गाड़ी की इंस्पेक्शन जो है वो आप बुक कराइए एंड सेल योर कार एट कार्स 24। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि 3-4 बार आगे पीछे क्यों करी, सीधी गली के अंदर क्यों नहीं लेके गया, लेके जा सकता था एक बार नहीं तो 2 बार में ज़रूर, लेकिन उसका ये होता कि गाड़ी पीछे से सीधी नहीं हो पाती, और मुझे गाड़ी एकदम सीधी लेके जानी थी दीवार के साथ चिपका के, तो ये एक टैक्टिक्स होती है कुछ कि अगर गाड़ी पीछे से एकदम सीधी लेके जानी है तो टर्न के आपको पहले गाड़ी थोड़ा आगे लेके जानी पड़ती है, रिवर्स करो तब गाड़ी का जो पीछे वाला हिस्सा है वो एकदम सामने वाले हिस्से के सीधे में रहेगा जिससे गाड़ी एकदम सही निकलेगी ऐसी जगह पर। ये प्रो टिप है, ये टैक्टिक वहाँ काम आती है जहाँ पे एल शेप टर्न होता है 90 डिग्रीज का, और आपको लगता है कि लेफ्ट साइड मेरी टकरा जाएगी, तो आपको गाड़ी टर्न से थोड़ा आगे पहले लेके जानी पड़ती है, फिर रिवर्स करके एक दो बार में गाड़ी निकालनी पड़ती है गाड़ी की जो लेफ्ट प्रोफाइल है वो एकदम सीधी करने के लिए, तो ये वहाँ लगाया जाता है। देखो यहाँ पे रेस का कोई यूज़ नहीं है, खाली मतलब एक बार चढ़ा दी, अब खाली क्लच जहाँ टाइट स्पेस होता है, एसी बंद कर देता, मतलब अलग आवाज़ आएगी, ड्राइवर साइड पूरी दबा के खाली क्लच, और हाफ क्लच का मैं ऐसे नहीं कि हाफ दबा के रख लिया, ऐसा नहीं, क्लच छोड़ के फिर दबा ली, ये तरीका होता है, ठीक है, उस साइड में इसलिए नहीं देख रहा क्योंकि मुझे पता है कि राइट मैंने पूरी दबा रखी है, ठीक है, या मिरर खोलूँगा तो टकरा जाएगा, तो कई बार मान लो मुझे ऐसी जगह खड़ी करनी पड़ती है तो ड्राइवर साइड पूरी दबा के, ठीक है,
ठीक है, ये क्लच का तरीका होता है। क्लच जैसे बता देता हूँ, छोड़ के फिर दबा दी, छोड़ के फिर दबा दी, ये नहीं कि हाफ में ऐसे चला रहे हो, वो फिर क्लच खराब कर देगी। ठीक है, इतनी डिस्टेंस मतलब वो है बीच में। अब इसी में रिवर्स करना है और कोशिश करूँगा एक बार भी मुझे आगे ना लेनी पड़े गाड़ी, मतलब बिल्कुल गली के बाहर तक इसी गियर में। ऐसी जगह में स्टेयरिंग को जितना कम रखो, जितना कम घुमाओगे गाड़ी उतना कंट्रोल में रहती है, उतना कंट्रोल से बाहर नहीं जाती है गाड़ी। ठीक है, बैलेंस चले, थोड़ा थोड़ा घुमाओ, इतना घुमा दिया फिर इतना उधर घुमाओगे, नहीं हल्का हल्का, कोई रेस का यूज़ नहीं। ब्रेक पे हल्का सी इशारे के लिए ऐसे है कि अगर दबाना पड़ गया तो तुरंत मान लो गाड़ी टच वच कर रही हो। टिल्लू फोटो लिया आगे से एक बार, डर जाए वीडियो बनाऊंगा ऐसे ले ले साइड देख दीवार के साथ करके एक बार। थोड़ा मैं जा रहा हूँ ना थंबनेल के लिए फोटो निकल जाए, वरना फिर वीडियो से निकालना मुश्किल हो जाएगा और दोबारा अंदर लेके नहीं आऊंगा मैं। हो गई, चलो मैं जा रहा हूँ, वीडियो अनकट रखो। जैसे मैंने बोला था कि एक बार भी आगे ना करनी पड़े, इसी गियर में मैं बाहर निकाल दूँ गाड़ी। अब थोड़ा मैं खोल लूँ क्योंकि अब है जगह।